हेलो एवरीवन, और सारा ने राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेनू और मैं रहती हूँ ऑस्ट्रिया वियना सिटी में। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई विश कि सबका ये जो नया साल है बहुत ही अच्छा जाए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हम इंडिया गए थे और अब हम इंडिया से वापस आ गए हैं, तो मैं भी इंडिया से कुछ सामान लेके आई हूँ। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आते हैं, लाइक एक साल के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि रहने से ही कई बार पता चलता है कि होती है यहाँ पे क्या मिलता है। वो जब आप रहते हो एक एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, उसके बाद ही आप वो चीज बता पाते हो। रहती हूँ ऑस्ट्रिया में, तो मैं ऑस्ट्रिया के बारे में आपको बता सकती हूँ ज्यादा अच्छे से, जो कि यूरोप में ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं, लाइक डिपेंडेंट वीजा पे स्पेशली अगर आपकी वाइफ आ रही हैं या फिर हस्बैंड आ रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे जो होता है मार्केट जो होती है वहाँ पे इजी हो जाती है। आपको इजीली फिर भी जॉब आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आप जरूर करवा के पहले ही ले आइए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आ जाते हो फिर डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने के लिए आप देते हैं, तो उसका खर्चा काफी हो जाता है। तो वो अच्छा है कि इंडिया से ही अटेस्ट करवा के लेके आइए। सेकेंड मैं जो लेके आती हूँ वो है मेडिसिन, जो बेसिक मेडिसिन होती है, लाइक दीज आर द बेसिक मेडिसिन, सिट्राजीन, निसिफ वगैरह, पेन किलर, और ये जो है विक्स वगैरह है, और एक ये जो तेल है ये नूरानी तेल, ये भी पेन के लिए होता है, लेकिन इसको मैं शनाया के लिए यूज करती हूँ, ठंडी वगैरह उसको लग जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑयल है, अगर स्पेशली डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की हुई है तो वो तो आप डेफिनेटली ला सकते हैं, बट लिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मतलब वो तो आप जरूर ले आइए, आप शॉर्ट टर्म आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म आ रहे हैं, खाना तो सबको ही खाना है, तो वो जो मेन है वो है ये कुकर, देख रहे हैं, जो कि इस बार मैं लेके आई हूँ, मेरा खराब हो गया था तो हम अभी लेके आए हैं ये नए तरीके का। लाइक इसको आप यूज कर सकते हैं, लाइक इसको कुकर का भी यूज है और कढ़ाई का भी यूज है, तो दोनों यूज कर सकते हैं एक ही बर्तन में। ये इसलिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये यहाँ पे नहीं मिलता है। स्टोर वगैरह में आप जाओगे आपको राइस कुकर वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन ये जो हमारे जो नॉर्मल इंडियन किचन में यूज होता है वो कुकर बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। ये जो कुकर है जो 2-in-1 का काम कर रहा है, ये 3000 का इंडिया में है, और यहाँ पे तो पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और 3000 से तो काफी महंगे कुकर आते हैं। नेक्स्ट जो है जो मैं लेके आती हूँ वो है किचन की, अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये फूल मखाने जिसे लोटस सीड भी बोलते हैं, ये मैं जरूर लेके आती हूँ। यहाँ पे भी ये मिल जाते हैं, ये नहीं कहूंगी कि मैं ये नहीं मिलते, लेकिन बहुत छोटी छोटी पैकिंग्स मिलती है, लाइक 50 ग्राम, 100 ग्राम, तो ये 250 ग्राम की पैकिंग है। नेक्स्ट जो है ये कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप लोग में भी कई लोग जानते भी होंगे इसको, लाइक अरड़ है, ये जाफल है, तो ये जो जाफल है ये तो यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन ये अरड़ यहाँ पे नहीं मिलती है इतनी, और शनाया को अभी भी पिलाते हैं, बच्चा मस्त रहता है, वो पेट वेट दर्द की प्रॉब्लम्स रहती नहीं है, ये सब चीजें अगर आप टाइम टू टाइम बच्चे को देते रहते हैं तो। नेक्स्ट जो किचन के लिए मैं जो सामान लेके आती हूँ वो है संध्या नमक, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा होता है, डायरेक्ट खा सकते हो सैलेड वगैरह पे डाल के, नमक यहाँ नहीं मिलता। एंड नेक्स्ट जो लेके आते हैं ये है कड़ी पत्ता, अगर फ्रेश चाहिए तो इंडियन स्टोर पे मिलता है ग्रीन, बट 4-5 यूरो के आते हैं, थोड़ी छोटी सी बंच मिलती है, उसमें कई बार खराब भी हुए मिलते हैं, कुछ ऐसे बिल्कुल फ्रेश भी नहीं मिलते हैं, तो ये सुखा के हम लेके आए हैं, और ये तो फ्री में ही है इंडिया में, तो भाई मिल ही जाता, लाइक हमारे घर में भी लगे होते हैं, तो ये कड़ी पत्ता जरूर लेके आते हैं। इसके अलावा सुखा के जो हम लेके आते हैं ये मेथी, कस्तूरी मेथी पैकेट्स में मिल जाती है बट मैं उनको प्रेफर नहीं करती हूँ, तो ये मेथी और इसको भी सुखा के लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडियन स्टोर में एक्चुअली मेथी मिल जाती है लेकिन आप उसको सुखा नहीं सकते क्योंकि विंटर हो चुकी होती है यहाँ पे, तो इसी टाइम पे आती है, और इस बार तो यूरोप में वैसे ही गर्मी पड़ रही है सही में, तो इस बार तो बेशक सुखा लो, धूप भी अच्छी निकल जाती है, पर फिर भी ये यहाँ पे वहां पे सुखा के लाते हैं हम इंडिया से ही। तो ये तो होगी किचन की बातें कि हम लेके क्या आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हम जो लेके आते हैं वो होती है यहाँ की बेडशीट, क्योंकि यहाँ पे मैट्रेस वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर जो बेडशीट होती है वो अलग तरीके की होती है, पतली पतली, मैंने ट्राई की, बहुत पतला कपड़ा होता है,
मेरे को नहीं कंफर्टेबल रहता या नहीं समझ में आता, तो इंडिया से बेडशीट जरूर लेके आते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं तो आप डेबिट क्रेडिट कार्ड में इंटरनेशनल फैसिलिटी को एक्टिवेट करवा के जरूर आइए शॉर्ट टर्म वालों के लिए डेफिनेटली। और इसके अलावा इंडियन करेंसी को ज़्यादा कैरी मत कीजिए अगर आप यूरोप में यहाँ पे आ रहे हैं तो, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है उसका। आप थोड़ा बहुत पैसा रख सकते हैं कि 1000-2000 आपने चलो रख लिया, ज़्यादा पैसे यहाँ पे मत रखिए। हाँ, अगर आ रहे हैं तो यूरो ज़रूर लेके आइए, क्योंकि जिस जो करेंसी जहाँ चलती है उसी कंट्री की करेंसी ही रखनी चाहिए। कुछ ब्रांडेड कपड़े जैसे रहते हैं तो आप इंडिया से ही लेके आए तो आपको ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। लाइक अगर आप लिवाइस की बात मैं करूँ तो मैं को लिवाइस की जीन्स बहुत पसंद है, तो मैं लिवाइस की जीन्स अगर लानी हो या नाइकी के शूज़ लेके आने हो तो मैं इंडिया से ही लेके आती हूँ, क्योंकि नाइकी तो इवन इंडिया में ज़्यादा सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू यूरोप। अदरवाइज अगर विंटर के कपड़ों की मैं बात करूँ तो विंटर के कपड़े तो आप यहीं पे आके लीजिए ऑस्ट्रिया में। विंटर के कपड़ों की शॉपिंग मैं आपको मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और मैंने आपको दिखाया था उस पे कि यहाँ पे विंटर के कपड़ों का क्या प्राइस है। सबसे मेन हम इंडियंस के लिए जो सबसे मेन रहता है वो होता है पूजा का सामान। पूजा का सामान आपको यहाँ पे कुछ मतलब ढूंढने से मिल जाएगा, लेकिन आप अपने इंडिया से लेके आए तो ज्यादा बेटर है, आपको सही पड़ता है। लाइक नेक्स्ट ज्वेलरी की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे गोल्ड की ज्वेलरी नहीं मिलती है ना के बराबर। कुछ टर्किश स्टोर वगैरह होंगे जहाँ जो गोल्ड की ज्वेलरीज रखते हैं, लेकिन अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर मैं एक तरीके से आपको ये बता सकती हूँ कि ना के बराबर यहाँ पे ज्वेलरी होती है। तो अपनी जो ज्वेलरी आपको जो पहननी होती है रिंग वगैरह या चेन वगैरह वो आप अपनी लेके आए। हाँ, जो नोज रिंग पहनती हैं जैसे मैंने पहना हुआ है स्टड, इस तरीके से अगर आप पहनती हो तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि ये एक दो पेयर एक्स्ट्रा आप लेके जरूर रख लीजिए, क्योंकि मेरे साथ एक केस हो गया था कि मेरी एक बार ये टूट गई थी नोज स्टड। उसके बाद मैंने काफी स्टोर्स पे ढूंढा, मतलब एक तो पहली बात तो मुझे मिली ही नहीं, गोल्ड ही नहीं मिला। उसके बाद अगर मुझे एक जगह पे गोल्ड मिला तो वो आई थिंक 150-200 यूरो का था। ये छोटू सा मतलब इतना ज्यादा कॉस्टली था और ऊपर से जैसा हम पहनते हैं वैसा भी नहीं था, तो अंदर जैसे गज डाल के हम पहनते हैं तो वो चीज तो यहाँ पे मिलती ही नहीं है। मैंने चांदी की भी ट्राई करी तो मुझे नहीं मिली, तो ये मैं मेरा एक एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उसके बाद मैं एक दो जोड़ी एक्स्ट्रा रखती हूँ। इसके अलावा जो इंडियन कपड़े होते हैं आप हम जो पहनते हैं इंडिया में, सूट साड़ी या फिर कुर्ता पजामा, तो ये सब आप अपने इंडिया से लेके आइए, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बैंगल्स वगैरह या कुछ अपनी ज्वेलरी होती है जो जरूरत की होती है, कांच की चूड़ियां स्पेशली, तो आप ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं तो ये अपनी आप लेके आइए। ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये कुछ छांट के ही चीजें बताई हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जो मैं हमेशा जो कहती हूँ एंड में वीडियो के वो कर ही दो, सोच के आ रहे हो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और लाइक बटन को जरूर प्रेस करिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।